फिल्म बत्ती गुल मीटर चालू में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं यमी गौतम। आखिर यमी को इस रोल को लेने की इंस्पिरेशन कहां से मिली? इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं श्री नारायण सिंह। फिल्म में शाहिद कपूर, श्रद्धा कपूर लीड स्टार्स हैं, जबकि एक तरह का ग्रे कैरेक्टर प्ले कर रही हैं यमी गौतम, क्योंकि वो बनी है बिजली कंपनी की वकील। काबिल एक्ट्रेस यमी ने कहा कि उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ी और उन्हें लगा कि एक पावरफुल रोल है, उन्हें करना है। लेकिन इस फिल्म की स्क्रिप्ट उन्हें उनके बचपन में ले गई। हिमाचल प्रदेश में यमी का बचपन बीता था और उसके बाद वो चंडीगढ़ शिफ्ट हुई। उन्होंने देखा है किस तरह से उनके ग्रैंड पेरेंट्स या उनके पेरेंटल हाउस में बिजली के इश्यूज हमेशा रहते थे। कभी पावर कट्स हो जाते थे, हैवी बिल्स आते थे और एक आम आदमी परेशान ही रहता था। छोटे शहर के लोगों की परेशानियां क्या होती हैं, ये वही समझ सकता है जो खुद छोटे शहर में रहा हो। ये कहना है यामी का और वो ये परेशानियां समझती हैं, इसीलिए उन्होंने ये फिल्म करने का फैसला किया। तो यामी गौतम इस फिल्म में एक वकील के किरदार में नजर आएंगी और वो चाहती हैं कि ये छोटे छोटे शहरों की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स लोगों तक जरूर पहुंचे। बत्ती गुल मीटर चालू, शाहिद कपूर, श्रद्धा कपूर, डायरेक्टेड बाय श्री नारायण सिंह।